दोस्तों आईपीएल साल 2021 का आधे से ज़्यादा सीजन बचा है, ये बात आप सभी जानते हैं और काफ़ी फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और दोस्तों रिसेंटली वेन्यू यहाँ पर इंग्लैंड निकल के आया है और आईपीएल साल 2021 से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमें इनसाइड सोर्स से आने वाला जो शेड्यूल है, जो ब्रेकिंग शेड्यूल है, वो हमारे हाथ लग चुका है और आज के वीडियो में हम आपसे शेड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। और ये शेड्यूल बिल्कुल भी फेक नहीं होने वाला है, ये खुद बीसीसीआई के एक सोर्स से हमें पता चला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होने वाला है इस शेड्यूल में, खासकर केकेआर के कौन से मुकाबले होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको सभी बात बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत एंटरटेनिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो खास मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन भी दबा दें, जिससे आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस नए शेड्यूल के बारे में और आईपीएल 2021 के बारे में बीसीसीआई और आईपीएल जीसी का क्या कहना है। दोस्तों आपको बता दें, यहां 18 से 22 को लेकर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका आखिरी मुकाबला होने वाला है जून के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें, कहीं मुताबिक सेप्टेंबर और नवंबर के अंदर एक विंडो यहां पर बीसीसीआई के पास था, बट इसके बावजूद दोस्तों वहां हो सकता है थर्ड वेव के कारण बीसीसीआई अब इनको अर्ली प्लान कर रहा है और ये अर्ली प्लान कर रहा है। तो दोस्तों अब जो नया शेड्यूल आया है वो है जून से लेकर जुलाई के महीने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, बट इस शेड्यूल के अंदर एक गड़बड़ जो हमें अभी तक नजर आई है वो ये है कि यहाँ टीमों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी जो टीमें होती थी उनका कम से कम अल्टरनेट यानी एक दिन का गैप तो रहता ही था, बट दोस्तों इस नए शेड्यूल के अंदर जो टीमें हैं उनका यहाँ पर गैप नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर सीएसके का आज मुकाबला है तो सीएसके का कल भी मुकाबला हो सकता है, जैसे दोस्तों पुराने मुकाबलों के अंदर अगर बेंगलोर का मुकाबला है तो बेंगलोर का मुकाबला कल नहीं बल्कि परसों होगा, ऐसा रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल के नए शेड्यूल के मुताबिक जो सीजन जहाँ मतलब रुका था वहीं से शुरू होने वाला है, यानी 26 जून से मुकाबले शुरू होंगे। मुकाबला होने वाला है केकेआर और आरसीबी के बीच। दोस्तों पूरा शेड्यूल वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं केकेआर के बचे हुए 7 मुकाबलों की। 26 जून को केकेआर वर्सेस आरसीबी होगा, इसके अलावा 29 जून को यहां दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर होगा, 1 जुलाई को केकेआर वर्सेस एमआई होगा, 2 जुलाई को केकेआर वर्सेस सीएसके होगा, 4 जुलाई को केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स होगा, 6 जुलाई को केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स होगा और 8 जुलाई को सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले ये मुकाबला होगा। वहीं दोस्तों आपको ये चीज़ बता दें, ये तो थे केकेआर के 7 मुकाबले। इसके अलावा अगर बात करें क्वालिफायर 1 की तो वो 13 जुलाई को होगा, एलिमिनेटर होने वाला है 14 जुलाई को, क्वालिफायर 2 16 जुलाई को होगा और दोस्तों आईपीएल 2021 का जो फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड के ही अंदर 18 जुलाई को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर भी ऑफिशियल शेड्यूल देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर सौरव गांगुली और जय शाह गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑडियंस करने कि वहां की पिचेस और वहां के ग्राउंड और वहां की फैसिलिटीज क्यों है। साथ ही साथ ऑडियंस भी आपको देखने को मिलेगी आईपीएल 2021 के सीजन में। तो दोस्तों ये थी ब्रेकिंग न्यूज आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर, केकेआर की न्यूज को लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।